और ये देखिए दोस्तों, ऊपर देखिए आप, इसके अंदर तीन छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुंबद बनी हुई हैं जो पूरी वाइट संगमरमर से बनी हुई है। देखिए और आप डिजाइन देखिए, आखिरी इमारत है, आखिरी मस्जिद है उस टाइप की बनी हुई। और दोस्तों ये जो मस्जिद है देखिए बहुत ही खूबसूरत है, आप इनके ये वाले डिजाइन देखें कितने प्यारे ये डिजाइन है। वैसे ये रास्ता है मस्जिद के अंदर जाने का, जो इसके अंदर महल के अंदर मस्जिद बनी है जो बहादुर शाह जफर के टाइम में बनाई गई थी। तो आइए अब चलते हैं, देखते हैं वो छोटी सी प्यारी सी मस्जिद, इस रास्ते से इधर से जाना पड़ता है। हाँ जी, तो ये देखिए, ये यहाँ पर आके देखिए किस तरह से एक छोटी सी प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है, बहुत खूबसूरत थी। और ये पूरी वाइट संगमरमर से बनाई गई है। और ये देखिए इसका आंगन, आंगन में अगर आप देखेंगे तो सारी टाइल्स जो है पत्थर लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारे इनके डिज़ाइन हैं। इनमें देखोगे तो वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके अंदर कटिंग करके लगाया गया है, कार्विंग की गई है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं इस मस्जिद को, कि मस्जिद अंदर से कैसी बनी हुई है। तो ये देखिए बहुत ही छोटी सी, बहुत ही खूबसूरत सी ये मस्जिद है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये अंदर से मस्जिद का हिस्सा है, अंदर से देखिए कितनी प्यारी ये मस्जिद है, छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद है। और ये पूरी जो मस्जिद है पूरी वाइट संगमरमर से बनाई गई है। ये देखिए यहाँ पर नमाज पढ़ाने की जगह है जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते हैं। और ये देखिए इसके दर हैं, और उस टाइम में जो है बहादुर शाह जफर के टाइम में जो है जो मुगलिया दौर है बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, तो ये बिल्कुल छोटी सी मस्जिद बना पाए थे। मतलब ये रूप है जो मुगलिया दौर में रहा था, जैसे ताजमहल वगैरह ये बनाते थे, तो इस टाइम इस दौर के अंदर जो मुगलों पे इतना पैसा रहा नहीं था तो ज़्यादा बड़ी चीज़ें ये बना नहीं पाए। तो अगर देखा जाए तो ये आखिरी इमारत है, आखिरी मस्जिद है उस टाइम की बनी हुई। और दोस्तों ये जो मस्जिद है देखिए बहुत ही खूबसूरत है, आप इनके ये वाले डिज़ाइन देखें कितने प्यारे ये डिज़ाइन है। और इनकी आज देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरती बनाई गई है, और आज भी मौजूदा हालत में ये जो है बहुत ही खूबसूरत और मजबूत ही मस्जिद है। लेकिन इसके देखें ना, बिल्कुल भी देखभाल नहीं की जा रही है, ये देखो कितने बुरे हाल है। देखो ना, साफ सफाई भी नहीं, जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, सब कुछ है गवर्नमेंट के तरफ दिया हुआ, लेकिन सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन झाड़ू भी नहीं दे रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल भी, देखा बहुत ही बुरी कंडीशन की हुई है। लेकिन अगर मस्जिद की हालत देखें आप, बनावट की, तो बहुत ही खूबसूरत है। और उसके ऊपर के देखिए, ये देखिए ऊपर वाले डिज़ाइन देखिए आप, कितने खूबसूरत इसके डिज़ाइन है ऊपर से भी आज भी। और ये जो है पूरा वाइट पत्थर है, संगमरमर जिसे कहते हैं। और ये देखिए डिज़ाइन कितने प्यारे डिज़ाइन है। और बाहर से अगर आप आंगन में देखोगे तो ये छोटे से आंगन में है और बाउंड्री इसकी चारों तरफ से हुई हुई है, लेकिन अभी ये जो है मस्जिद एक्टिव नहीं है, नमाज इसमें नहीं होती है। और अगर आप देखोगे इनकी चौखट वगैरह भी देखिए, ये जो है गेट लगाने की जगह है, यहाँ पर शायद उस टाइम में गेट लगाया जाता होगा, बंद किया जाता होगा इस जगह को, तो ये मतलब कि अलग पार्ट होगा थोड़ा सा मस्जिद से, तो इसके अंदर इसको बंद करने की जगह है। और ये देखिए यहाँ जो है इसमें ये वाली जो छत है, इसकी पूरी प्लान छत है, ये देखिए पूरी प्लान छत है। और सामने से अगर आप पूरा व्यू देखोगे तो देखिए कितनी खूबसूरती लगती है। तो इसमें थोड़ा भी सफाई का काम किया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा ये। और ये देखिए दोस्तों ऊपर देखिए आप, इसके अंदर तीन छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुंबद बनी हुई है जो पूरी वाइट संगमरमर से बनी हुई है। देखिए और आप डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मस्जिद बनाई गई है। और ये देखिए इसका आंगन, आंगन भी आप देखोगे तो ये देखिए किस तरह से पूरा डिज़ाइन किया गया है, इसमें ब्लैक जो पत्थर है स्टोन की कार्विंग की गई है इन वाइट पत्थरों के अंदर। और ये देखिए ये पूरी मस्जिद का बाहर का डिज़ाइन है, और इस मस्जिद का जो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, अगर ख्याल रखा जाता तो ये थोड़ी बहुत सफाई इसके अंदर होती। इसके अंदर धूल डस्ट इतनी ज़्यादा आ चुकी है, ये बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया गया है जगह का। नहीं तो ये उसको अगर एक्टिव किया जाए तो ये देखिए इधर से रास्ता भी है, पब्लिक के लिए एक्टिव की जा सकती है, क्योंकि इस साइड में जो है दरगाह है। दोस्तों ये जो मस्जिद है, मस्जिद के साइड में अगर आप इस साइड में देखोगे तो इस साइड में कब्र भी बनी हुई है, ये पता नहीं किसी कब्र है, देखिए ग्रेव बनी हुई है। और ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब कि मस्जिद से बिल्कुल अलग है, मतलब मस्जिद जो देखोगे तो मस्जिद का जो लास्ट हो जाता है यहाँ तक, उसके बाद ये कब्र बनाई गई है, पता नहीं किसी कब्र है उस टाइम की बनी हुई। और ये देखिए पूरा मस्जिद का अंदर वाला व्यू है, अगर आप देखोगे किस तरह से ये खूबसूरत सी प्यारी सी मस्जिद बनी हुई है।